दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेक स्ट्रक्चर में। आज के वीडियो में हम रेविट सॉफ्टवेयर के बारे में सीखने वाले हैं। इस सॉफ्टवेयर की मैं पूरी प्लेलिस्ट डालने वाला हूँ। इस प्लेलिस्ट में हम रेविट आर्किटेक्चर के बारे में सीखेंगे। तो ये मैं आपको बेसिकली सॉफ्टवेयर के बारे में बता रहा हूँ। ये वो एक्सटीरियर व्यू कैसे दिखेगा बंगलो का, बिल्डिंग का या रो हाउस का, ये आपको इस प्लेलिस्ट में बताया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो ये आप देख सकते हैं, एक दो प्रोजेक्ट है जो बनाए हुए प्रोजेक्ट है। मतलब सिंपली देख सकते हैं ऐसे कि पूरा कंप्लीट नहीं है प्रोजेक्ट, लेकिन मैं आपको मतलब एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। ऐसे आप एक्सटीरियर देख सकते हैं और अभी रेंडर भी नहीं है। रेंडर होने के बाद ये बहुत अच्छा दिखता है। तो इधर जाके हमें न्यू पे क्लिक कर देना। न्यू के बाद हमें आप यहाँ एक ऐसा बॉक्स ओपन हुआ दिखा देगा। उसके बाद हम लोग को आर्किटेक्चर टेम्पलेट में जाना है। यहाँ आप देख सकते हो कंस्ट्रक्शन टेम्पलेट है, आर्किटेक्चर टेम्पलेट है, स्ट्रक्चरल टेम्पलेट है और मैकेनिकल टेम्पलेट है। तो हम लोग को आर्किटेक्चर टेम्पलेट में जाना है, वहाँ जाके क्लिक कर देना है और ओके क्लिक कर देना। तो उसके बाद आपको कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर दिखाई देगा। आप कोई भी वर्जन यूज़ कर सकते हो। मैं 2020 यूज़ कर रहा हूँ। ये स्टूडेंट वर्जन है। जो सॉफ्टवेयर है ये पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर आपको फ्री में मिलेगा घर पे बैठ के 3 साल के लिए। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको ये फ्री में मिल रहा है तो इसमें कुछ कमांड्स कम रहेगी। ये पूरा जो ऐसा अपना ओरिजिनल सॉफ्टवेयर है वैसा ये सॉफ्टवेयर है। ये है प्रोजेक्ट ब्राउजर है। यहाँ आपको मतलब level 1 level 2 दिखाई देगा। आप उसके बाद भी एलिवेशन देख सकते हो। इसमें एलिवेशन में ऑप्शन है, आपको यहाँ पूरा दिखाई देगा। इसको प्रोजेक्ट ब्राउजर बोलते हैं। अगर ये गलती से कभी डिलीट हो गया तो हम क्या करेंगे? हमें सिंपली राइट क्लिक कर देना है। ये ब्राउजर ऑप्शन है और यहाँ प्रोजेक्ट ब्राउजर पे जाके क्लिक कर देना है तो ये वापस आ जाएगा। और यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ प्रॉपर्टीज है। तो अगर ये भी गलती से कभी क्लोज हो गया तो इसके लिए भी एक शॉर्टकट की है। डबल प्रेस करना है हम लोग को पी। तो पी अगर 2 बार प्रेस करेंगे तो वापस आ जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग को एक कमांड है, उसका नाम है वॉल। तो वॉल कमांड में आप यहाँ देख सकते हैं, आपको 3 टाइप की वॉल दिखती है, आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चरल और वॉल बाय फेस। तो हम लोग को आर्किटेक्चर के बारे में सीखने वाले, इसलिए हम आर्किटेक्चर पे क्लिक कर देंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद आपको यहाँ कर्सर दिखाई देगा। आप देख सकते हो यहाँ बहुत सारे ऑप्शन है। यहाँ आपको अगर वॉल ऐसी सिंगल वॉल बनानी है तो आप सिंगल वॉल बना सकते हो। अगर रेक्टेंगुलर वॉल बनानी है तो वैसे भी आप बना सकते हो। तो वो सब आप सब बना सकते हो इसमें। इसमें कुछ टेंशन नहीं, आप सर्कल भी बना सकते हो। तो उसके बाद ये हम जो वॉल देख रहे हैं 2D में, मतलब आप देख सकते हो आप level 1 में वॉल बना रहे हो। अगर आप यहाँ ऑप्शन एक ऐसा घर जैसा ऑप्शन है डिफॉल्ट 3D व्यू में, तो अगर आप ऐसा देखोगे तो आपको ये कुछ इस तरह का दिखाई देगा। ये वॉल बन चुकी है, ये बॉक्स जैसा बन गया, ये भी वॉल ही है। और फिर आपको अगर इसको रियलिस्टिक वे में दिखना है तो यहाँ बहुत सारे ऑप्शन है। आपको वायर फ्रेम में आपको पूरा दिखेगा। उसके बाद हिडन का ऑप्शन है। उसके बाद आपको शेडेड का ऑप्शन है, शेडेड में ऐसा दिखेगा, कंसिस्टेंट कलर दिखेगा। उसके बाद आपको यहाँ रियलिस्टिक में ऐसा दिखेगा, ये वॉल रियलिस्टिक में कैसा दिखेगी। तो इसके बाद ये वॉल ऑप्शन है। वॉल में भी आपको बहुत सारे टाइप आते हैं, कर्टन वॉल आता है। तो हम लोग ने ये वॉल बना दी। तो वॉल बनाने के बाद हम लोग को कुछ चीज़ें ध्यान में देखनी चाहिए। अब इस वॉल की हाइट कितनी है आपको कैसे पता चलेगा? तो हम लोग ने जो लास्ट टाइम पे वॉल बनाई थी उसकी हाइट कुछ ज़्यादा थी। आप देख सकते हो इसमें, अगर मैं एलिवेशन में जाके देखता हूँ तो इसकी हाइट ज़्यादा है। ये हम लोग का level 1 level 2, level 1 और level 2 में डिफरेंस है 10 फीट का। और ये बड़ी वॉल है, तो अगर हम लोग को इस वॉल को कनेक्टेड करना है level 2 से, उसके बाद हम ये वॉल ऑप्शन लेंगे। उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ 3 ऑप्शन है, level 1 level 2 और अनकनेक्टेड। तो हम अगर level 2 पे क्लिक करते हैं, और कर दिया हम लोग ने, और एक वॉल बनाते हो और फिनिश कर देते हो। उसके बाद हम इसको 3D में जाके देखेंगे। तो आप देख सकते हो ये जो मेरा वॉल है ना, वो level 2 से कनेक्टेड है। आप एलिवेशन में जाके देख सकते हो। देखिए ये हमारी एक वॉल है और level 2 से कनेक्टेड है, मतलब इसकी 10 फीट हाइट है। और ये वॉल देख सकते हो इसकी 20 फीट हाइट है, ये अनकनेक्टेड है। तो इतना हो गया। इसके बाद हम आज एक दूसरा ऑप्शन देखेंगे। अगर आप अभी इस वॉल को देख सकते हो तो इसमें कौन सा मटेरियल है हम लोग को समझ में नहीं आ रहा। मतलब इसमें कोई मटेरियल है नहीं, जो डिफॉल्ट दिया है वही मटेरियल है। तो हम लोग इसमें मटेरियल कैसे ऐड कर सकते हैं? तो आपने जो वॉल देखी होगी कि वॉल में कैसे रहते हैं, जो बाहर का कवर रहता है वो कॉन्क्रीट का रहता है, अंदर उसमें ब्रिक रहता है बीच में, और वापिस एक कॉन्क्रीट का कवर रहता है। तो वैसी वॉल हम कैसे बनाए? तो सिंपल है। अगर मैंने ये वॉल बना दी है, अभी मैं एक नई वॉल बनाता हूँ, कनेक्ट कर दिया level 2 के साथ मैंने, और इसके बाद एक वॉल मैंने यहाँ बना दी। आप देख सकते हैं इसमें कोई मटेरियल नहीं है। तो हम लोग को इस वॉल पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ एक आपको प्रॉपर्टीज में जाना है और एक एडिट टाइप का ऑप्शन है, उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको इस वॉल डुप्लीकेट पे क्लिक कर देना है। डुप्लीकेट पे क्लिक कर दे, इसका मतलब क्या होता है कि
जब भी आप किसी पर्टिकुलर चीज को सिलेक्ट करते हो और उसको डुप्लीकेट करते हो, मतलब वो जो भी चेंजेस हो गए, जो भी हम इसे मटेरियल चेंजेस करेंगे या कलर का चेंजेस करेंगे, वो एक सिंगल उसी वॉल पे होगी। तो इसे हम लोग ने डुप्लीकेट पे क्लिक कर दिया। अब इसको मैं नाम देता हूँ 6 इंच वॉल और ओके कर देता। उसके बाद आपको यहाँ एक ऑप्शन दिखेगा कंस्ट्रक्शन में स्ट्रक्चर का ऑप्शन, वहाँ आपको एडिट का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक कर दो। उसके बाद आपको देख सकते हैं इस वॉल की थिकनेस है 8 सेंटीमीटर। तो हम लोग को इसमें इसको 3 लेवल में डिवाइड करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ जाएंगे और इसको 2 इंच कर देंगे। सॉरी, मैं 8 सेंटीमीटर बोला, ये 8 इंच था। तो उसके बाद हम लोग को यहाँ जाना है और यहाँ एक ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको कुछ ऐसा पेज दिखाई देगा। उसके बाद आपको यहाँ सर्च में जाके कंक्रीट सर्च करना है। तो आपको यहाँ बहुत सारे कंक्रीट दिख रहे हैं, कंक्रीट प्रीकास्ट, उसके बाद कंक्रीट लाइट वेट, उसके बाद कंक्रीट, ये सब आपको दिख रहे हैं। तो हम लोग इसमें ले रहे हैं कंक्रीट इनकास्ट प्लेस ग्रे। तो उसमें जाके आपको क्लिक कर देना है, यूज एज ए रेंडर कर देना है, अप्लाई कर देना है, ओके क्लिक कर देना है। उसके बाद ये हो चुका है। अभी मैंने क्या बोला था आपको, यहाँ तीन मतलब ऐसी वॉल हम लोग क्रिएट करने वाले थे जिसमें 3 लेयर हो, ये मतलब बाहर कंक्रीट हो, अंदर ब्रिक हो और वापस कंक्रीट हो। तो यहाँ जाके हम इंसर्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम यहाँ थिकनेस डालेंगे, जो ब्रिक की थिकनेस होती है 4 इंच। उसके बाद वापस हम यहाँ जाएंगे, इधर हम डालेंगे ब्रिक, कॉमन ब्रिक पे मैंने क्लिक कर दिया। उसके बाद ये हो गया, हम लोग को वापस और एक लेयर बनाने का जिसमें हम लोग बना रहे कंक्रीट। तो वापस इंसर्ट पे क्लिक किया, यहाँ 2 इंच टाइप किया, इधर गए हम वापस। उसके बाद हम लोग को इधर जाके कंक्रीट क्लिक कर देना है, ओके कर दिया हम लोग ने। अभी हम इसे ओके करेंगे और यहाँ देख सकते हो। तो आप बोलेंगे इसमें कुछ चेंजेस तो हुए नहीं, तो आपको यहाँ जाना है ऑप्शन, जो हम लोग ने विजुअल स्टाइल के बाजू में एक ऑप्शन है, वहाँ जाके हम लोग को मीडियम में फाइन पे क्लिक, अगर हम फाइन पे क्लिक कर देंगे तो आप देख सकते हो ऐसे चेंजेस हो चुके, मतलब ये वॉल और ये वॉल में आप फर्क देख सकते हो। आप देख सकते हैं ये वॉल पूरी ग्रे दिखती है और ये वॉल आपको मटेरियल दिखता है, बाहर आपका कंक्रीट है, अंदर ब्रिक है, वापस कंक्रीट। तो ऐसे टाइप का आप कर सकते हो। आज हम लोग ने ये कमांड सीख ली, वॉल कमांड और बड़ी है, लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए मैं वो कमांड नहीं डाल रहा हूँ। उसमें आपको कर्टन वॉल आएगी, वो हम बाद में सीखेंगे।